आप देख रहे हैं आपका बाजार, दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश अग्रवाल हैं और लोकेश उपल हैं, जो आपके सभी क्वेरीज को एड्रेस कर रहे हैं। और अब एक रेगुलर व्यूअर हमारे और रेगुलर कॉलर भी हैं शो के, मौजूद है फोन लाइन पर, रमेश है मुंबई से। रमेश जी, गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए अपना। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर, आपको भी जी बिजनेस की पूरी टीम की ओर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आपने अब तक मार्केट्स में कमाए हैं और यही विश करते हैं कि इसी तरह के रिटर्न आप आगे भी आपको मिलते रहे। आपको यही बोलने वाला था कि आपको लाख लाख धन्यवाद कि दिवाली टू दिवाली आई हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कंसल्टिंग जी बिजनेस। जी जी जी, सवाल क्या है सर आज के लिए आपका? I have got 2,500 shares of FCL at 24 rupees. ठीक है, यहाँ भी आपको काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। अब आपको राय दिलवा देते हैं, लोकेश 24 रुपए की खरीद है और स्टॉक 35 रुपए पर आ चुका है, अच्छा प्रॉफिट इनको अभी हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम फिनोटेक केमिकल्स की बात करते हैं, इफ आई लुक एट द मंथली चार्ट, यहाँ पे एक राउंडिंग फॉर्मेशन था विद द स्टॉक फ्रॉम द बॉटम क्लोज टू लेवल्स ऑफ 24 and 25, और वहाँ से एक राइट शोल्डर फॉर्मेशन आया। आई थिंक Fineotex Chemicals is gonna be a bullish stock for you, where you can see a further upside in the stock close to levels of 45. अपनी position में बने रहिए and wait for the stock to close 40 rupees with volume and keep a very close trailing stop loss to avoid any further losses in your position that is close to 32 rupees. जी, तो आपको राय दिया चुकी है Fineotex Chemicals को लेकर, एक अच्छा मुनाफा है, उसे जरूर secure करें। एक सवाल तुषार जोशी का है Facebook के जरिए, सवाल है IDFC Bank को लेकर, करीब 1100 शेयर हैं और 74-60 के भाव पे खरीदारी है। राजेश, IDFC बैंक पर आपकी राय क्या है? कल नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद अच्छे आंकड़े राधा आए, मुनाफे फ्रंट पे करीब करीब 200-250 करोड़, 300 करोड़ रुपए के आसपास आंकड़ा आ चुका है, एक स्ट्रॉन्ग नंबर मुनाफे फ्रंट पे, एनपी स्लाइटली डिप हुए हैं। आपकी राय कहती है, रिसेंट लिस्टिंग है, बहुत ज्यादा आंकड़े अभी तक है नहीं, लेकिन जो भी आंकड़े अच्छे आंकड़े हैं, आपकी राय IDFC बैंक पर? सुमित, पूरी तरीके से सहमत हूँ मैं आपसे कि बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं होने के बावजूद जो भी अवेलेबल डेटा है बहुत ही एक्साइटिंग है। रेदर हमारी इसमें स्ट्रॉन्ग बाय कॉल है और हम इसमें लंबी अवधि के लिए बाइंग, लंबी अवधि इससे मेरा सेंस कम से कम 2 साल की बाइंग के लिए सलाह दे रहे हैं। इसमें आने वाले दिनों में रिवर्स मर्जर होगा IDFC के बाद, साइज बड़ी हो जाएगी, बैंक अच्छे ब्रांचेस के नंबर्स बढ़ा रहा है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस बैंक को बहुत अच्छा ग्रो करने में मदद करेंगी। मैं इसमें स्ट्रांग बाई की रिकमेंडेशन देता हूँ, बिल्कुल बने रहें और आपके फंड अलाउ करते हो तो और खरीदारी भी कर सकते हैं। जी, एक और सवाल है फेसबुक के जरिए नेहा गुप्ता का, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस पर, क्वांटिटी है इनके पास 1500 शेयर्स की और जो परचेजिंग प्राइस है वो है 48.5 का, 40.5 पर अभी ट्रेड कर रहा है, नुकसान हो रहा है थोड़ा सा, लोकेशन को क्या करना चाहिए? देखिए दीपाली जी, अगर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के चार्ट को स्टडी करते हैं, वी सी अ बेरिश फॉर्मेशन ऑन लॉन्ग टर्म चार्ट्स, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि द स्टॉक हैज टेकन डीप हैमरिंग फ्रॉम लेवल्स ऑफ 55 रुपीस। आपको एडवाइस यही दी जाती है कि सेल ऑन राइज की नीति को अपनाएं टू मिनिमाइज योर लॉसेस एंड ट्राई टू एग्जिट द स्टॉक। जी, तो आपको राय फर्स्ट सोर्स अंदर में दी गई है, 40 रुपए के स्तरों पर शेयर फिलहाल कामकाज कर रहा है, रफली आधा फीसदी के आसपास ही गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ और सवाल भी लेते हैं, एक सवाल दीपक दास का आया है, त्रिपुरा से सवाल पूछा गया है अशोक लेलैंड को लेकर, करीब 250 शेयर हैं और 83 रुपए के भाव पर खरीदारी है। राजेश, अशोक लेलैंड 83 रुपए पर खरीदारी है, 88 का मौजूदा स्तर है, 5 रुपए का मुनाफा है, क्या करें? बने रहे हैं स्टॉक में, पिछले महीने जो मंथली नंबर आए थे उसके बाद दबाव देखा गया स्टॉक में, बट GNRM की तरफ से बैंक को, अशोक लैंड को अच्छे ऑर्डर हैं, आगे आने वाले दिनों में भी जब इकोनॉमिक स्केल इंप्रूव होगा, इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी, मुझे लगता है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इन लेवल्स में डाउनसाइड बहुत कम है, बिल्कुल बने रहे, आने वाले दिनों में 95-96 के टारगेट्स आ सकते हैं। जी, एक सवाल SMS के जरिए आया है हमारे पास और ये SMS भेजा है दीपक दास ने त्रिपुरा से, क्वेरी है, इनफैक्ट एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, SMS भी ले लेंगे लेकिन उससे पहले लाइव कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। शक्ति बेदी हमारे साथ है मुंबई से, नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना, सवाल पूछिए अपना शक्ति। हेलो जी। हेलो, हाँ मैडम, अपना टाइड वाटर हमने बाय किया हुआ है 90 रुपए का, क्योंकि 6100 की खरीद है, 6190 पर ट्रेड करा है, क्या चांसेस लग रहे हैं और मुनाफा दे सकता है ये?
देखिए दीपाली जी, अगर टाइड वाटर्स की बात करते हैं, पहले तो इसमें वॉल्यूम्स बड़े कम होते हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द रेगुलर ट्रेडर टू ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स को स्टडी करता हूँ, वही सेम स्टोरी है। बॉटम फॉर्मेशन इज टेकन प्लेस फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 58 और राइट शोल्डर फॉर्मेशन तैयार हो रही है मंथली चार्ट पे, जो इंडिकेट करती है कि एनी गुड न्यूज इन द स्टॉक कैन टेक द स्टॉक टू द लेवल्स ऑफ 6500 रुपीज। तो फिलहाल अपनी पोजीशन में बने रहिए एंड कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्लोज टू 6130। जी चलिए, तो आपको राय दी गई है टाइड वाटर को लेकर। थोड़ी लिक्विडिटी का जरूर कंसर्न रहता है, लेकिन 1% के आसपास की बढ़त यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। एक सवाल आया है फेसबुक के जरिए है, स्नेहाशीष चंद्रा का सवाल है पश्चिम बंगाल से। इनके पास 200 शेयर हैं SBI के और उसमें 248 रुपये के भाव पर खरीदारी है, 3 से 5 महीने का नज़रिया है, लक्ष्य जाना है उन्होंने। राजेश जी, SBI 248 में खरीदारी, 249 का भाव मौजूदा स्तर है, 260 के आसपास का मौजूदा स्तर है, आप क्या राय रखते हैं? मुनाफे में तो है फिलहाल, ये क्या करें? देखिए मुनाफे में है, नज़रिया बहुत छोटा है। बैंकों के जैसे नंबर्स आए हैं एक्सिस बैंक के और ख़ास करके जो इनकी SBI की जो SBI के जो सिस्टर कंसर्न बैंक है उनसे थोड़े दबाव में देखे गए हैं। हो सकता है एक क्वार्टर और दबाव देखा जाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि लंबी अवधि में ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आप चूंकि आपका नज़रिया बहुत छोटा है, आप 249 का स्टॉप लॉस रखें और मेंटेन करें, अदरवाइज मैं कहूँगा कि लंबी अवधि के लिए बने रहें। जी रिधिमा सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। रिधिमा, गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए अपना। हाँ गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास सिंडिक्स इंडस्ट्री के शेयर है 81 रुपीज में, 100 शेयर मैंने लिए है, तो 6 to 12 मंथ के परस्पेक्टिव से मैं क्या करूँ? एक्चुअली बहुत टाइम बाद बात कर रही हूँ, थोड़ा एक्साइटेड हो गई हूँ, सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके, हैप्पी दिवाली आपको, आप एक्साइटेड हैं तो दिवाली विशेष भी दे देते हैं, और अभी एक्साइटेड बनता भी है क्योंकि आपका निवेश आपको फायदा पहुँचा रहा है। थैंक यू जी। लोकेश क्या करना चाहिए? 81 का प्राइस है इनका खरीद का सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में, 87 पर शेयर आ चुका है, फायदा हो रहा है, लेकिन अभी रणनीति आप 6 महीने के लिहाज से क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए दीपाली जी, अगर सिंटेक्स के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, वी सिंपली सी अ गुड फॉर्मेशन क्लोज टू लेवल्स ऑफ 77 एंड 75, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया एंड द स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू गो ऑन द अपसाइड। मेरी एडवाइस ये आपका 6 से 9 महीने का नजरिया है, अपनी पोजिशन में बने रही है एंड यू कैन सिंपली सी अ टारगेट्स ऑन 100 एंड 103 ऑन द अपसाइड। आप वहाँ पे चाहे तो अपने मुनाफे को वसूल कर लीजिएगा जी, आप अपनी पोजिशन को होल्ड कर सकते हैं। चलो, तो होल्ड करने की राय आपको सिंटेक्स में दी गई है, 2.5% ऊपर शेयर कामकाज कर रहा है। एक सवाल फेसबुक के जरिए है, पवित्रा झरियट का ये सवाल है, इनके पास ICICI प्रोडेंशियल के शेयर हैं और रफली 334 रुपये के भाव पे इन्हें शेयर अलॉट हुए हैं, IPO के एक्चुअल शेयर इन्हें अलॉट हुए हैं। राजेश, याददाश्त मेरी है कि आपने 300 रुपये के आसपास में खरीदारी की राय दी थी जब इसमें गिरावट आई थी ICICI प्रोडेंशियल की लिस्टिंग के दिन, करीब 88 शेयर इनको अलॉटेड है 334 पे, अभी नहीं खरीदारी से तो नीचे है, लेकिन अब आप क्या राय देंगे क्योंकि बड़ी तेजी ऑलरेडी देखी गई येलो लेवल से? सुमित, मैं ये कहूँगा कि ये जो भी तेज़ी देखी गई है नीचे के लेवल से, ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 2 साल के नज़रिए के साथ स्टॉक पे ख़रीदारी करनी चाहिए। 3 times एम्बेडेड वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि वैल्यूएशन ठीक ठाक दर्जा रहा है। लिस्टेड पेयर्स में कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है, अकेली लिस्टेड कंपनी है। पूरे पेयर ग्रुप में देखें तो परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल ख़रीदारी करनी चाहिए, बने रहें स्टॉक में, लंबी अवधि का नज़रिया रखें जी। अगली क्वेरी हमारे पास जो आई है वो एक SMS के जरिए आई है, दीपक दास के त्रिपुरा से। अभी कुछ देर पहले से SMS का हमने जिक्र किया भी था, अभी ले लेते हैं। अशोक लेलैंड पर इनका सवाल है, 250 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं 83 के प्राइस पर, लेकिन ऑलरेडी अशोक लेलैंड पर हम बातचीत कर चुके हैं, इसीलिए एक फेसबुक क्वेरी को ले लेते हैं। शिव कुमार सोनी का सवाल है HCC पर, 2000 क्वांटिटी है इनके पास और जो परचेजिंग प्राइस है वो 40 रुपीज का है, स्टॉक इनके परचेजिंग प्राइस पर आ चुका है अब रीसेंट बाइंग के बाद, लेकिन अब क्या करना चाहिए? लोकेश, HCC में इनके परचेजिंग प्राइस पर एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है। देखिए दीपाली जी, अगर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करते हैं तो आई थिंक देयर वाज एन इंटरव्यू ऑन जी जहाँ पे उनके मैनेजमेंट ने बताया था दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टर्न अराउंड इन द कंपनी। उस टाइम ये स्टॉक 22-23 रुपये के आसपास ट्रेड करता था एंड रिसेंटली द स्टॉक हैज वेंट अप टू लेवल्स ऑफ 40 रुपीज। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि देयर इज अ टर्न अराउंड, द कंपनी इज डूइंग गुड इन द रिसेंट पास एंड देयर कुड बी पॉसिबिलिटी आने वाले दिनों में अच्छे नंबर्स देखे जाएंगे, और चार्ट भी यहाँ पे ये सजेस्ट करते हैं कि बुलिश पैटर्न बना हुआ है। यू कैन होल्ड योर पोजीशन फॉर द टारगेट्स ऑफ 48 एंड कीप अ स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 32 एंड 33 व्हिच इज अ सपोर्ट जोन ऑफ द स्टॉक। जी
इस बीच एक खबर आप देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने NACL की जो अर्जी है उसे खारिज कर दिया है। 5600 करोड़ रुपए के भुगतान मामले में अर्जी दी गई थी जिसको खारिज किया गया है। फिनेंशियल टेक हालांकि 1% नीचे कामकाज कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टीप रिएक्शन इस शेयर में अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ क्योंकि M6 के नंबर्स के बाद थोड़ा रुझान है वहाँ पे पॉजिटिव साइड पर, लेकिन फाइनेंशियल टेक पर्टिकुलरली करीब 82-40 के स्तरों पे कामकाज करते हुए 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। राजेश, इंडिविजुअली अगर शेयर की बात करें फाइनेंशियल टेक की, इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, इतनी कंट्रोवर्सीज के बीच में मैं नहीं समझता कि इसमें छोटे निवेशक को बना रहना चाहिए, क्योंकि आपको कभी पता नहीं होता कि कोर्ट से क्या निकल कर आएगा या जांच एजेंसियों से क्या निकल कर आएगा। दिक्कत ये है, अदरवाइज नंबर्स के लिहाज से बोलूं तो वैल्यूएशन सस्ते नज़र आएंगे, बट जो दिक्कतें हैं वो सामने हैं और किसी को भी नहीं पता कि कल क्या निकल कर आएगा। बेहतर होगा कि ऐसे स्टॉक में ना रहा जाए। जी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज अभी करीब 82-60 पर ट्रेड कर रहा है, आधा परसेंट की कमजोरी लेकर। लेकिन एक सवाल और ले लेते हैं, और ये सवाल आया है हमारे पास आइडिया सेलुलर पर, एडी गुप्ता का कोलकाता से। 130 शेयर्स है जो परचेजिंग प्राइस 158 का है, काफ़ी लॉस हो रहा है इनको। लोकेश, क्या सलाह देंगे आप? देखिए दीपाली, अगर हम आइडिया के चार्ट को स्टडी करते हैं, वी सी अ वेरी हैवी सेल ऑफ ऑन द लेवल्स ऑफ क्लोज टू 123 एंड द स्टॉक वेंट डाउन टू द लेवल्स ऑफ 71। अभी जो आप इसमें एक पुल बैक देख रहे हैं, दे कुड बी अ टेक्निकल पुल बैक विच कैन टेक द स्टॉक टू लेवल्स ऑफ अराउंड 85 to 84। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप टाइम देख के ट्राई टू स्विच आउट ऑफ द स्टॉक, बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल जो इसका 52-week लो था वो दोबारा रीटेस्ट होगा। जी चलिए, टेलीकॉम स्पेस की बातचीत हो भी रही है तो अब सुनील भारती मित्तल का बयान जान लेते हैं। उनका कहना है कि जियो की वजह से कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन जियो की फ्री सर्विस बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ सुनील भारती मित्तल हैं। सरकार एयरटेल का रिजल्ट आया, नेट प्रॉफिट 5% कम हुआ, सबसे पहले तो उसका रीज़न क्या है? वो रीज़न तो कल आपको आपके सामने ही है। आई थिंक कंपनी की परफॉर्मेंस हमने देखी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और गोपाल ने कल ऑलरेडी इसकी स्टेटमेंट दी, चल रहा है काम आगे। सर, रिलायंस उसमें आप रिजल्ट्स में ये भी है कि रिलायंस जो ने जिस तरह फ्री सर्विसेज दी है, क्या इम्पैक्ट है कंपटीशन का? इम्पैक्ट जो हर तौर पे रहेगा, जब भी कोई चीज़ बाजार में इनोवेटिव आती है, फ्री आती है, प्रमोशनल आती है, उसका कुछ असर तो रहेगा, तो ग्रोथ रेट्स जो है टेपर ऑफ करेंगे। खासतौर पर कि फ्री टैरिफ्स जो है वो कंटिन्यू रह सकते हैं कुछ क्वार्टर्स के लिए, तो आपको लगता है कई क्वार्टर्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, देखिए वो तो अब TRA और उनके बीच में है, जैसे वो सेटल करें। अल्टीमेटली कोई भी चीज़ हमेशा फ्री रह नहीं सकती है, वो कितना TRA का एक पैमाना है उसके हिसाब से चलेगा, देखते हैं कैसे सेटल करें। आपने चल पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन नहीं देने के लिए ट्राई ने प्रायोरिटी को रिकमेंड किया, आपको लगता है ट्राई बायर डन दिस इज? देखिए TRA और हमारी बातचीत लगातार चलती रहती है, हमारे रेगुलेटर हैं वो, उनका कोई उनके माइंड में कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको हमारा काम है उसको क्लियर करें, उसको बकायदा उनको जवाब देंगे। लीगली चैलेंज करेंगे? नहीं, उनको जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। तो एक खास बातचीत आपने सुनी मिस्टर सुनील भारती मित्तल के साथ, और स्टॉक अगर आला की देखें भारतीय एयरटेल का, तो आज पोस्ट अर्निंग्स दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर